और बड़ी खबर आपको इस बीच में बता रहे हैं, जयपुर से बड़ी खबर कि यूट्यूबर अल्वेश यादव ने एक युवक को जड़ा है थप्पड़। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की, थप्पड़ कांड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। मीडिया पर वायरल जो वीडियो बताया जा रहा है वो 22 गोदाम सर्कल के एक रेस्टोरेंट के बाहर का वीडियो बताया जा रहा है। जी हाँ, अल्वेश के पास तक नहीं पहुंचा ये मामला अल्वेश यादव पर, क्या ये एक्शन होगा, ये बड़ा सवाल आपसे पूछ रहा है न्यूज 18 राजस्थान। बिग बॉस कंटेस्टेंट और यूट्यूबर अल्वेश यादव इन दिनों जयपुर में है और हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखाई जा रही हैं, जहां पर पुलिस भी मौजूद है, तमाम भीड़ भी मौजूद है। ये बताया जा रहा है कि अल्वेश यादव एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, तभी उन्होंने अपने पीछे एक शख्स को जाकर थप्पड़ जड़ दिया। जब वो थप्पड़ जड़ने के बाद वापस अपने सीट पर लौटे तो फिर से वो शख्स खड़ा हुआ, फिर उसकी तरफ अल्वेश मुड़े, लेकिन तब तक अल्वेश के मैनेजर में उनको वहां से पकड़ कर ले गए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको न्यूज 18 राजस्थान दिखा रहा है, जयपुर की यह तस्वीर दिखाई जा रही है, जयपुर के रेस्टोरेंट की यह तस्वीर दिखाई जा रही है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें अल्वेश यादव का इन दिनों फिर से चर्चा में अल्वेश यादव नजर आ रहा है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विष्णु है। विष्णु, अल्वेश यादव का सोशल मीडिया पर थप्पड़ जड़ने वाला वीडियो, क्या आधिकारिक पुष्टि है और ये क्या जानकारी दे रहा है अभी, क्या ये इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, जो पूरा मामला है वो आज सोशल मीडिया पे एक वीडियो के जरिए वायरल हो रहा है, जिसमें वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ जिसमें अल्वेश यादव एक को रेस्टोरेंट में थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद ये जब घटना जब बड़ी और उसके पूरा जो मामला, ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, उसके बाद एक कथित जो ऑडियो भी सामने आया जिसमें अल्वेश यादव का कहना है कि उन्होंने वो किसी से हाथापाई करने के लिए नहीं गए थे, एक कार्यक्रम में गए थे, एक रेस्टोरेंट में गए थे और वहीं पर यदि उनको जब उस लड़के ने उनको गाली दी तो उन्होंने उसको थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि इस पूरे मामले के बाद जयपुर पुलिस का कहना है कि ये मामला किसी भी थाने में नहीं पहुंचा है, किसी भी व्यक्ति ने इस थप्पड़ कांड के बाद किसी अल्वेश यादव के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। वहीं पर जो सोशल मीडिया पर लगातार जो वीडियो वायरल है, आप उस पुलिस इस पूरे मामले में प्रसंज्ञान ले रही है कि आखिरकार ये पूरा माजरा क्या था, लेकिन अब तक की जानकारी में ये सामने आ रहा है कि अल्वेश यादव कल 22 गोदाम स्थित एक मॉल में गए थे, वहीं पर रेस्टोरेंट में जब वो रेस्टोरेंट से बाहर आ रहे थे तभी एक युवक ने उन्हें कुछ जो अपशब्दों का प्रयोग किया और उसके बाद तमतमाते हुए अल्वेश यादव ने उसके पास जाकर युवक को थप्पड़ जड़ दिया। और वहीं पर मौजूद लोगों ने जब जब ये वीडियो बनाया तो कुछ देर के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और वही सफाई में अल्वेश यादव का कहना है कि वे लड़ाई, उनको लड़ाई करने का शौक नहीं है ना वो हाथ उठाने का शौक है, मैं अपने काम से काम रखता हूँ, ऐसा अल्वेश यादव का कहना है। अल्वेश ने इस वीडियो पर कहा है कि एक एक्शन का रिएक्शन होता है, उन्हें मारपीट करने का कोई शौक नहीं है, जैसा एक्शन किया गया उसका रिएक्शन। दूसरी बात, यह क्या कोई एफआईआर दर्ज हुई है इसके खिलाफ? देखिए, बिल्कुल, इस पूरे मामले में जयपुर पुलिस का यही कहना है कि इस संबंध में कोई भी एफआईआर या शिकायत पुलिस तक नहीं पहुंची है। यदि कोई शिकायत पहुंचती है तो जरूर कोई एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, क्या अभी अल्वेश यादव जयपुर में ही ठहरे हुए हैं या वहां से निकल गए? देखिए, अभी तक अल्वेश यादव जो अभी तक यही कहना है कि अल्वेश यादव फिलहाल जयपुर में ही है, लेकिन कहाँ है ये लोकेशन अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन इस थप्पड़ कांड के बाद जब वीडियो वायरल हुआ तो उनकी सफाई भी सामने आई है। जी ठीक है। विष्णु, क्या अल्वेश अपने परिवार के साथ उस रेस्टोरेंट में गए थे या अकेले ही गए थे? देखिए, इस संबंध में जो टाउन कैफे के जो यानी जो रेस्टोरेंट के जो डायरेक्टर, उनको कहना है कि रात को अल्वेश अपनी टीम के साथ वहां पर आए थे और टीम के साथ जब कुछ देर के बाद एक टेबल पर बैठे थे और वहीं पर जब अन्य जो कस्टमर थे उन्हें अल्वेश यादव को देखकर कमेंट किया, उससे अल्वेश यादव भड़क गए और लौटते वक्त एक युवक को उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया। तो फिलहाल परिवार के बजाय वे अपनी टीम के साथ वहां आए थे। ठीक है, लेकिन जैसी जानकारी है विष्णु कि ये जो वीडियो वायरल हुआ है थप्पड़ कांड का, वो वीडियो द खबरी नाम के एक्स हैंडल पर ये वीडियो वायरल किया गया है। अब सवाल यहां पर ये उठता है कि क्या अल्वेश के खिलाफ कोई एक्शन होगा और इस मामले में एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराया गया है? देखिए, चूंकि इस पूरे मामले में जिस युवक को थप्पड़ जड़ा गया था या जिस रेस्टोरेंट में घटना हुई थी उनकी ओर से कोई भी शिकायत या रिपोर्ट पुलिस तक नहीं दी गई है, ऐसे में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक सामान्य घटना माना जा रहा है, लेकिन जब सोशल मीडिया पर यह घटना वायरल हुई, ये वीडियो वायरल हुआ, तो इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया और आखिरकार तभी अल्वेश यादव को अपनी सफाई पेश करनी पड़ी कि वो किसी से झगड़ा करने के लिए नहीं गए थे। जब उन्हें गाली दी, जब मां बहन की गाली दी और भी कुछ अभद्र शब्द कहे गए, तब ऐसे में उन्हें गुस्सा आया और आखिरकार उन्होंने युवक को थप्पड़ जड़ दिया। तो फिलहाल कोई जब शिकायत दर्ज नहीं, तो ऐसे में पुलिस भी कोई कार्रवाई करने से इनकार कर रही है। जी
क्या पुलिस ने जिसको थप्पड़ जड़ा गया उससे भी बातचीत की है, कुछ कोई जानकारी है? देखिए इस पूरे मामले में, इस थप्पड़ कांड में अभी तक पुलिस का रोल सामने नहीं आया। इसकी वजह यही है कि शिकायत पुलिस तक नहीं पहुंची है, ना शिकायत दर्ज कराई गई है। लेकिन जैसा वीडियो में दिख रहा है विष्णु, वीडियो में जैसा दिख रहा है पुलिस वहां पे मौजूद है। बिल्कुल, बताया जा रहा है कि पुलिस जो एक सिक्योरिटी के रूप में साथ थी, लेकिन घटना की शिकायत नहीं मिलने से कोई कार्रवाई नहीं करी की जा रही है, ऐसा बार बार पुलिस का यही कहना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये पूरी घटना जो आपको टीवी स्क्रीन पर आपके दिख रही है, ये जो वीडियो है एल्विश यादव का, वो जयपुर का है, जयपुर के एक रेस्टोरेंट का है, जहां पर एक शख्स को थप्पड़ जड़ने का एक वीडियो वायरल हुआ है। 22 गोदाम सर्कल के पास एक मॉल है जयपुर में, जिसमें रेस्टोरेंट में अपने टीम के साथ एल्विश यादव गए थे, तभी एक शख्स को उन्हें थप्पड़ जड़ा। साफ तौर पर इस वीडियो पर सफाई भी दी गई एल्विश यादव के द्वारा कि वो उन्हें किसी मारपीट करने का कोई शौक नहीं है, जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन। फिलहाल इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ है क्योंकि कोई एफआईआर ही नहीं दर्ज कराई गई है। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक।